की तैयारियों को भांपकर कांग्रेस भी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा के साथ साथ कांग्रेस ने लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के विजय रथ को रोकने की है। छत्तीसगढ़ में 2023 के साथ 2024 की तैयारी। कांग्रेस की रणनीति बीजेपी पर पड़ेगी भारी। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस को लोकसभा चुनावों का भी अंदेशा होने लगा है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को देखकर कांग्रेस को ऐसा संदेश जा रहा है कि विधानसभा के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने विधानसभा के साथ लोकसभा चुनावों के लिए ऑब्जर्वर का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर अभी से नियुक्त कर दिए हैं। ऑब्जर्वर अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में चुनाव की तैयारियों, चुनाव प्रचार, विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति पर नजर रखेंगे और लोकसभा चुनावों की भी रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता विधानसभा के लिए की जा रही मीटिंग में लोकसभा चुनावों के लिए भी विचार विमर्श कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बीजेपी की तैयारियों से कांग्रेस को संदेश जा रहा है। राज्य में जिस तरह मोदी सरकार योजनाओं की सौगात दे रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जा रही है, लोकार्पण किया जा रहा है। पिछले महीने ही पीएम मोदी ने 7400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट शुरू किए थे। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ में दौरे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी को चुनावों में बीजेपी का चेहरा बनाया जा रहा है। उससे माना जा रहा है कि बीजेपी की तैयारी 2024 को लेकर है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की इन तैयारियों को देखकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है और अपनी तैयारियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी वजह ये भी है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों पर तो कांग्रेस मजबूत है, लेकिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस कमजोर है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 9 पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के पास मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं। बस्तर से सांसद दीपक बैज हैं, तो कोरबा से ज्योत्सना महंत सांसद हैं। कांग्रेस की कोशिश विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा में भी रिकॉर्ड जीत दर्ज करना है। इसीलिए कांग्रेस की ओर से बीजेपी से एक कदम आगे की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की कोशिश 2023 के साथ 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने का प्लान है। ये जो ऑब्जर्वर की सूची जारी की गई है लोकसभा वार, ये हमारे सांगठनिक चुनाव का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में भी जब वहां का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी हमने लोकसभा वार ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे, आसाम में भी किए थे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं किए थे। हमारा एक सांगठनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन विधानसभा के साथ साथ हम लोकसभा को भी फोकस कर रहे हैं। लगभग 5 साल में कांग्रेस के वादा खिलाफी से छत्तीसगढ़ की जनता में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है वह कांग्रेस भांप चुकी है और उस आक्रोश के भय से वो चुनाव के संबंधित तैयारियां तेज कर रही है। लेकिन एक बात मुझे लगता है, ये तैयारियां जो लोकसभा के संदर्भित तैयारियां हैं वो न केवल छत्तीसगढ़ अपितु पूरे देश में कर रही होंगी। उसका कारण ये है कि विपक्ष अपनी एकता दिखाने के लगातार 2 बैठकें कर चुका है और उन बैठकों में एक बात तो प्रमुखता से उभर कर आई कि कोई भी विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस अगर अभी से तैयारियों में जुट रही है तो वो अपनी लोकसभा सीटों में बढ़त हासिल कर सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव की समर आ चुकी है, चुनाव की समर में जा चुकी है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि 3 करोड़ जनता तक पहुंचने की उनकी अपनी कोशिश है। 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ 10 लाख के आसपास वोटर है। डोर टू डोर जाने की उनकी तैयारी, अपनी उनकी रणनीतिक कूटनीतिक प्रयास रहेंगे कि कैसे डोर टू डोर यात्रा के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा लोकसभा या तो एक साथ हो सकते हैं या बहुत आपस में जुड़ के हो सकते हैं या बहुत जल्दी हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव पहले करा जा सकते हैं।
केंद्र सरकार को शायद इसमें कोई लाभ दिख रहा हो तो इसमें कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले चुनावों में किसकी रणनीति साकार होगी और 2023 के साथ 2024 में कांग्रेस का जनाधार छत्तीसगढ़ में मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी अभी से जुटी हुई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी की केंद्र शासित सरकार लोकसभा के चुनाव भी जल्द करा सकती है। यही कारण है कि विधानसभा के ऑब्जर्वर की सूची जारी की गई है और उसके साथ साथ अब लोकसभा के ऑब्जर्वर की सूची जारी कर दी गई है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस को अगर इस तरीके की भनक लगी है तो स्वाभाविक है कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है और उन्हें तैयारी अभी से तेज करनी होगी, क्योंकि बीजेपी अगर लोकसभा का चुनाव जल्दी कराने की तैयारी में है तो उनकी तैयारी पहले से होगी। जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 में विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अगर कहीं कांग्रेस पिछड़ी है तो वो लोकसभा क्षेत्र है। जिस तरह से बीजेपी प्रदेश में माहौल बना रही है उससे कांग्रेस को मिशन 2024 का संदेश जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है।